भाई जब मैं वीडियो बनाता था ना 220F की 220F वापस आ रही है, तब लोग मेरा मजाक बनाते थे। बहुत सारी यूट्यूबर भी मैंने देखा, वो लोग मजाक बनाते थे। लेकिन भाई अब देख लो, फाइनली न्यूज़ आई है कि 220F जो है वो वापस आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली न्यूज़ आ चुकी है कि 220F को बजाज वापस से इंडियन मार्केट में रिलॉन्च करने वाला है। इवन दोस्तों इस जो वेबसाइट है अपने rusline.com में, यहाँ पे इनकी तरफ से ये कहा गया है कि 220F की जो बुकिंग है वो ओपन हो चुकी है वापस से। अब आप समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं 220F के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 220F है वो वापस आ सकती है, जिसके लिए मैंने 2-3 वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि भाई ये फेक वीडियो है, 220F नहीं आएगी, हमकाना ढमकाना फलाना। लेकिन मैं जानता था कि 220F वापस आएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है F250 का फ्लॉप होने का। क्योंकि F250 जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, बजाज अच्छे से जानती है कि 220F इंडियन मार्केट में पहले भी चलती थी और आज भी चलेगी, क्योंकि एक आइकॉनिक बाइक है, क्योंकि एक लेजेंडरी बाइक है। तो वापस से इन्होंने दोस्तों पूरा मन बना लिया कि 220F वापस आ रही है। इवन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे शोरूम में भाई इस बाइक की जो बुकिंग है वो भी ओपन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बुकिंग भी ओपन कर दिया है बजाज वालों ने। बाकी आप खुद समझदार है कि फिर भैया क्या हो चुका है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा, ये rusline.com जो इनकी वेबसाइट में ये चीज़ आई है, एक बार मैं अपने कल शोरूम में कंफर्म करूँगा। हालांकि इनकी तरफ से जो न्यूज़ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब सही रहती है। बाकी दोस्तों अगर बात कर ले इस बाइक के बारे में, तो देखिए 220F में थोड़े थोड़े आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पुराना वाला जो ग्राफिक्स है वो आपको ज़रूर बाइक में देखने को मिलेगा, बट हाँ नया ग्राफिक्स भी आपको बाइक में देखने को मिल सकता है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि बजाज इसमें 220F में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इंजन में आपको पहले की तरह बाइक में 220cc का इंजन मिलेगा, जो कि आपको पता है कि ऑयल कूलिंग इंजन के साथ में आता है, और बाइक अराउंड 21 PS के आसपास की पावर जनरेट करेगी। एंड 19 का जो इंटरमिटेंट टॉर्क है वो आपको 220F में देखने को मिल सकता है। स्पीडोमीटर में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि स्पीडोमीटर में लास्ट टाइम तक बाइक में आप लोगों को गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता था, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 220F में आपको गियर इंडिकेटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक मेजर अपडेट आपको बाइक में मिलने वाला है। इसकी जो लाइट्स है दोस्तों, उसमें आप लोगों को जो लाइट मिलती है वो हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, उसमें आप लोगों को LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो भी देखने को मिल सकती है। इसके भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, होना भी चाहिए LED मेरे हिसाब से लाइट आज की जनरेशन में। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को नहीं मिलता, तो इस बाइक में आप लोगों को स्लीपर जो क्लच है वो भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आई थिंक मेरे हिसाब से स्लीपर क्लच 220F में होना भी चाहिए। बाकी दोस्तों बाइक में आपको नए ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। स्पीडोमीटर में भी थोड़े बहुत अपडेट होने वाले हैं। बाकी जो प्राइस बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि 135,000 से 140,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक एक्सरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम और डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, जैसे कि बजाज की तरफ से और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से न्यूज़ आ रही है। लॉन्च डेट तो फिलहाल एकदम यही नहीं समझ में आया कि अभी चाह रही है, लेकिन ये है कि बुकिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अब इतनी बड़ी बात है कि भाई 220 इज फाइनली बैक। और भाई जो लेजेंडरी इस बाइक का वेट कर रहे थे वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा वीडियो बनाता था और कहता था कि 220F आएगी, लोग मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब आप देख लीजिए आपकी भाई की जो बात है वो सच हो चुकी है। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कितना वेट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।